नाश कर रहा है। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं मुनीश सिंह, दलित नेता है, युवा नेता है। हम आपसे जानना चाहेंगे मुनीश जी कि ये दलितों का भी कैसे उपयोग करके आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में राजनीति करता है और कैसे उनको उपयोग के बाद यूज एंड थ्रो की भी नीति अपनाता है, बताइए। सर देखिए, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी और उसका भाई असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर भी तेलंगाना क्षेत्र में जब इलेक्शन हुए थे, उसने इलेक्शन के प्रचार के वक्त कहा था कि ये जितने भी दलित भाई है ये सब हमारे भाई है और इनको भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। मगर ये जिस तरह से दलित भाइयों के बारे में कहता है और ये जिस तरह से उनको भड़काना चाहता है, ये सब इसका सोच गलत है। क्यों? ये जिस तरह से आज आंध्र प्रदेश के इसकी सीट है और अपने महाराष्ट्र में इसकी सीट है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जहाँ जहाँ पर भी अपने सीट से उम्मीदवार खड़ा करना चाहता है, मैं हमारे वो दलित देना चाहता हूँ कि आप लोग इसके भड़काऊ भाषण में मत आइए। जिस तरह से बाला साहब अंबेडकर जी ने इनको भी एक पैसे से खरीदना चाहता, वो टाइम पे उन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में सोच के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो मैं दलित भाइयों से यही कहूंगा कि इसके भड़काऊ भाषण में ना आए और ना ही उसके उसके ऊपर सोचे, और हमें सब एकजुट होकर आज लड़ने की स्थिति है। जिस तरह से ये कहता है कि हम हमारे दलित भाइयों को बीफ खिलाएंगे, खाना उसे जरूरी ये कहता है, मैं हमारे दलित भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए, ये जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़े करके जिस तरह से ये करना चाह रहा है, वहां पर दंगे फैलने के बहुत सारी उम्मीदें हो जाएगी। तो मैं हमारे दलित भाइयों से विनती करता हूँ कि आप लोग टूटे नहीं, एक जगह बने रहे और हिंदुत्व का साथ दे, और मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारों से ये विनती करता हूँ कि जिस तरह से अपने नंगे भाषण का नाच कर रहा है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उसको कड़ी से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास कमल बेनीवाल जी है, दलित नेता है और काफी राज्यों